आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान में अध्याय 1 संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्यों और कैसे, ये पाठ का नाम है। तो ये संविधान क्या है, ये हमारे देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो हम इसमें संविधान का अर्थ, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में किस प्रकार अपनी शक्ति सत्ता का बंटवारा करता है, और भारत का संविधान कैसे बना। तो संविधान क्या है, हमने अभी बताया, एक नियमावली है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले, वह संविधान है। ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। कुछ ऐसी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है वो भी संविधान में शामिल हो जाती है। जैसे हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, कहीं कहीं पर अलिखित संविधान भी होते हैं जो कि प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। ये संविधान समाज को क्या देता है, समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो हम जानते हैं कि कभी भी समाज में, समुदाय में जो लोग रहते हैं, और यदि वहाँ पर विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो हमें आपस में उनमें समन्वय बनाकर कार्य करना है। तो जो संविधान है, तो हमारे देश में भी विभिन्नताएं हैं, उसमें सभी जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, अनेकता में एकता का उदाहरण है। तो संविधान ऐसा होना चाहिए जो आपस में समन्वय बनाए रखे, बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। तो संविधान आपस में तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, इसलिए हमें संविधान की क्या है, आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ का, समाज में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना। निर्णय मतलब समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है, जो नियम है देश में, तो वो कौन बनाएगा। तो उसको बनाने के लिए भी हमें ये बताना पड़ता है ये अधिकार किसको दिया गया है, ये भी हमें संविधान में लिखा हुआ है। जैसे हमारे संविधान में सरकार को 3 भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, वो कानून बनाते हैं, संसद है वो कानून बनाते हैं, तो वो अपने आप नहीं बनाते हैं, उनको भी अधिकार किसने दिया, संविधान ने दिया। तो जो 20वीं शताब्दी में हमारा जो देश का संविधान बना है वो बहुत ही अच्छा बना, और उसमें सभी का ध्यान रखा गया, और उसमें कानून सैद्धांतिक रूप से जब राजा हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे, उसमें राजा नियम बनाते थे, लेकिन संविधान में गणतंत्र है, मतलब नागरिकों को ही अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और उनके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं व्यवस्थापिका में, वो ही कानून बनाने का अधिकार उनको प्रदान किया गया है। तीसरा पॉइंट है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो जो जनता पर लागू होते हैं, तो यदि उन पर भी यदि जनता को वो मतलब लग रहा है कि ये उचित नहीं है, तो उन पर भी हम सरकार की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाने का हमारा अधिकार है, कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो हम इस प्रकार सरकार की शक्तियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, उनके मनमाने व्यवहार पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है समाज की आकांक्षाओं को पूरा करता है, कौन, संविधान, और एक न्यायपूर्ण समाज की क्या करता है, स्थापना करता है। तो जो तीसरा है संविधान का, जो तीसरा है कि वो अपने कानून नागरिकों पर लागू करता है और कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इतनी आवश्यक, मतलब इतनी वो नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि समाज को उनसे परेशानी हो। तो और चौथा हो गया समाज की आकांक्षाओं को पूरा करता है, ताकि समाज का विकास अच्छी तरह हो सके। तो हमारा जो संविधान है उसमें
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये 20वीं शताब्दी में बना और इससे समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान एक नियम है और वो समाज में शक्तियों का बंटवारा भी करता है। जैसे उसके कई अंग सरकार के, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र निकाय भी होते हैं, जैसे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। तो एक राष्ट्र में एक एक बुनियादी पहचान होती है और हम देखते हैं कि किस प्रकार सत्ता का, संविधान में सत्ता का बंटवारा किया गया है। तो संविधान जब बनाते हैं तो वो कितना प्रभावी है और कितना उसका मतलब न्यायपूर्ण है, ये सब ध्यान में रखकर नियमों को बनाया गया है। जो संविधान है तो वो उसकी शुरुआत कब से हुई और संविधान कैसे बना? तो संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी उसमें अपने भारतीय समिति में भारतीय व्यक्ति भी शामिल थे और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य थे। तो एक कैबिनेट मिशन बनाया गया और उसके अनुसार हमारे संविधान सभा की नियुक्ति हुई, संविधान सभा की रचना की गई। तो इसने कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रस्ताव किए कि प्रत्येक प्रांत देसी रियासत या रियासत समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटें दी गई। मतलब सीटें मतलब कि अब सभी लोग तो संविधान सभा में आएंगे नहीं, तो हर प्रांत देसी रियासत तो उनको वहाँ की जनसंख्या, जैसे मान लो वहाँ पर जनसंख्या है 10 लाख, तो उसमें से एक व्यक्ति को चुना गया प्रतिनिधि के रूप में। और ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में से 292 सदस्य चुने गए और जो देसी रियासत थी, उस समय भारत राज्यों में बटा था और हल्के राजा हुआ करते थे मुखिया, तो उनको 93 सीटें बांटी गईं। इस प्रकार ये सदस्य संविधान सभा में भाग ले सकते हैं। और प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी उसमें सभी मुसलमान भी थे, सिख और सामान्य थे, उनको जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था ताकि संविधान सभा में सभी धर्मों के प्रमुख लोगों का योगदान रहे। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव किया। देसी रियासत के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। मतलब जो देसी रियासत थी जिसमें से 93 सीट प्रतिनिधि चुनकर आना था, उनको भी उनके परामर्श से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। संविधान सभा का एक शॉर्ट रूप बता रहे हैं आपको कि जब 3 जून 1947 में जो योजना के अनुसार जो सदस्यों का संख्या निर्धारित की गई थी वो कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि उसी समय भारत का विभाजन पाकिस्तान में हो गया। तो इस प्रकार एक उप महाद्वीप बन जाने के कारण उनकी सदस्य संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और अंतिम रूप से जो हमारा संविधान बना वो पास किया गया 26 नवंबर 1949 को। उस संविधान में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से हमारा ये लागू हो गया संविधान। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों को भी ध्यान में रखा और उसमें 28 सदस्य थे। और जो संविधान सभा में सदस्य थे उन्होंने व्यक्तिगत अपने क्षेत्र के हितों को ध्यान में न रखकर पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर संविधान में अपने नियमों को रखा। और इस सभा में संविधान के जितने भी विषय थे सब में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और एक प्रावधान ऐसा था उसमें, कई प्रावधानों पर तो क्या हुआ, कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन एक प्रावधान ऐसा था सार्वभौमिक मताधिकार जो बिना किसी विवाद के क्या हो गया, पास हो गया। संविधान सभा में 8 मुख्य
समिति थी, और समिति के अध्यक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर ये प्रमुख व्यक्ति आदि हुआ करते थे। हर शंका का समाधान किया गया, हर प्रावधान का हल तर्कपूर्वक किया गया। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और 166 दिन इसकी बैठक हुई, तो लगातार नहीं हुई, रुक रुक कर हुई, लगातार नहीं समझना। अन्य देशों के संविधान से कुछ अच्छे तत्वों को भी ग्रहण किया गया। नेहरू जी ने भी विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों से कुछ ग्रहण करके अपने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए। ये है नेहरू जी के द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव। उन्होंने बताया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है और भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। मतलब जो भी हमारे संघ में शामिल होना चाहते हैं वो आ सकते हैं। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन्हें सब शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। इस प्रकार उन्हें कुछ स्वायत्तता भी दी गई। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। किसको ध्यान में रखा? जनता को। भारत के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, ये सब उनको अधिकार दिए गए। धर्म की उपासना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए आगे वाले पॉइंट में, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति और दलित सभी को समुचित उसमें स्थान दिया गया, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा गया। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, जल और थल, इन सबके द्वारा इनको भी कुछ अधिकार दिए गए। और विश्व शांति जो मेन उद्देश्य था, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। इसके बाद हमारे संविधान में कुछ दूसरे देशों की भी संविधान के कुछ अच्छे बिंदु लिए गए। ब्रिटिश संविधान से देखिए क्या लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। मतलब वो जैसे अपने आप वोट डलते हैं ना, इसके ज्यादा वोट पड़ेंगे, वोट मतलब मत, तो वही प्रतिनिधि चुना जाएगा। सरकार में संसदीय व्यवस्था, ये भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ली। कानून के शासन का विचार, कानून बनते हैं। विधायिका में अध्यक्षता का पद और कानून निर्माण की विधि, ये सब सारे 5 पॉइंट हमने किससे किया, ब्रिटिश संविधान से लिए गए। और भारत ने मतलब ये नहीं सोचा कि हम किसी की नकल नहीं करें, लेकिन जो अपनी देश की शासन व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए ये सारे प्रावधान लिए गए। अमेरिका से क्या लिया, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये हमने अपने मौलिक अधिकारों में शामिल किया। कनाडा का संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप ये ग्रहण किया। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, केंद्र में शक्तियों को सौंपा गया, राज्य में सौंपा गया, जो बची हुई शक्तियां हैं अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी हमने कनाडा से लिया। इस प्रकार हमने इसमें संविधान के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।